नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 10 और आज हम निकल रहे हैं एक स्टेकेशन के लिए। और ये जो हमारी डेस्टिनेशन रहने वाली है वो है सरिस्का टाइगर रिजर्व, जिसकी दूरी दिल्ली से जो है वो लगभग 220 किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप भी दिल्ली से सरिस्का जा रहे हैं बाय रोड, तो आप कौन सा रूट फॉलो कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट रूट है, क्या क्या उस पर खाने पीने के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ उस पर आपको कितने रुपए का टोल पे करना पड़ेगा। ये सारा कुछ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। तो चलिए अपने आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी बज चुके हैं सुबह के 10:30 और अब हम फाइनली जो है लगभग पहुंचने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। तो जो आज हम रूट फॉलो करने वाले हैं वो रहेगा द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू हम जाएंगे सरिस्का। बाकी जो डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, जैसे कि लगभग 220 किलोमीटर, वैसे 220 किलोमीटर नहीं है, वो घट के जो डिस्टेंस है वो लगभग 160 किलोमीटर के आसपास हो गया है, जिसके लिए करीब 3.5 घंटे के आसपास का टाइम दिखा रहा है। बाकी अभी आप देख सकते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की रोड कंडीशन तो खैर बहुत बढ़िया है ही है। बाकी आगे चल के देखते हैं किस तरीके की रोड कंडीशन रहती है और रास्ते में आपको सारा कुछ हम बताते हुए चलेंगे। और दोस्तों, आप देख सकते हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे है वो कितनी बढ़िया रोड बनी हुई है। रोड की कंडीशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, साथ ही साथ काफी चौड़ी सड़क है, फोर लेन सड़क जो है आपको यहाँ पर मिलती है। बाकी ये जो है हमें आगे कनेक्ट कर देगा मुंबई एक्सप्रेसवे पे। अभी आगे चल के देखते हैं रोड की कंडीशन किस तरीके की है, कितने रुपए के टोल आते हैं, क्या क्या खाने पीने के ऑप्शन है, सब कुछ आपको रास्ते में मैं बताता हुआ चलूंगा। और दोस्तों, ये एक ड्रॉबैक है बहुत बढ़िया सड़क का भी, आप देख सकते हैं, क्योंकि सड़क बहुत बढ़िया है तो लोग जो हैं वो थोड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं। और आप देख सकते हैं सामने ही एक ट्रक पलटा हुआ है जो कि मेरे को लग रहा है कि रॉन्ग साइड आ रहा था। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि रोड बढ़िया होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही एकदम रैश ड्राइविंग करनी शुरू कर दें। थोड़ा सा ड्राइविंग करते समय थोड़ा सा इस चीज का सतर्क रह के ड्राइविंग करें। दोस्तों, जैसे ही आप द्वारका एक्सप्रेसवे से उतरेंगे, उतरने के बाद अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा जो स्ट्रेच है करीब करीब 2-2.5 किलोमीटर का, वो थोड़ा सा खराब मिलेगा। यहाँ पर रोड की कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है। बाकी अभी 2-2.5 किलोमीटर बाद दूसरी रोड स्टार्ट हो जाएगी जो कि सदर्न पेरिफेरल रोड है, वहां देखते हैं उस रोड की कंडीशन किस तरीके की है। और दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे को एग्जिट करने के बाद करीब मान के चलिए 3-4 किलोमीटर बाद हमारे को लेना होता है NH 248A। और NH 248 पे करीब 8-10 किलोमीटर रहने के बाद उसके बाद हम टच करेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। बाकी आप देख सकते हैं NH 248 भी जो है वो काफी अच्छा बना हुआ है। बीच में थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर का स्ट्रेच आया था जहां पर थोड़ा सा कंजेस्टेड रोड थी, और थोड़ा क्योंकि वहां पर थोड़ा सा शहर वाला एरिया था तो वहां पर थोड़ी सी कंजेस्टेड रोड थी। दोस्तों, ये आ गया है हमारी जर्नी का पहला टोल, और इस टोल प्लाजा का जो नाम है वो है घमरोज टोल प्लाजा। और यहाँ पर जो आपके चार्जेस लगते हैं वो लगेंगे 125 रुपीज। बाकी अभी पहला टोल आया, लगभग हमारा 40 किलोमीटर की जर्नी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और पहला टोल पड़ा अभी है। इसके बाद जो है थोड़ी आगे जाकर के ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। बाकी आगे चल के देखते हैं कि किस तरीके की रोड की कंडीशन रहती है। और दोस्तों, जैसे ही आप घमरोज का टोल जो है वो क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने के बाद 3 किलोमीटर बाद ही आप देख सकते हैं ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए आपको हल्का सा स्लाइट लेफ्ट लेना होता है। और अब हम ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं। तो हम फाइनली एंटर कर चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। आप देख सकते हैं जो रोड की कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रोड है, काफी बढ़िया रोड बना हुआ है। और बाकी अलवर जाने के लिए आपको 100 किलोमीटर जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे ही चलना है,
एक बार आप एंटर करेंगे उसके बाद 100 किलोमीटर आपको सीधा चलते रहना है, उसके बाद जाकर के आपको एग्जिट लेना अलवर के लिए। बाकी रास्ते में अभी देखते हैं क्या क्या हमारे को खाने पीने के ऑप्शंस मिलते हैं और इस रोड पे कितने टोल आते हैं, ये सारा कुछ आपको बताता हुआ चलता हूँ। दोस्तों मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के बाद अभी करीब 5 किलोमीटर की ही हमने जर्नी कवर की है और ये आ गया हमारी जर्नी का दूसरा टोल। और इस टोल का जो नाम है वो है हिलालपुर टोल प्लाजा और इस पे जो चार्जेस लगते हैं वो लगते हैं 95 रुपीज। बाकी जो भी एग्जैक्ट चार्जेस होंगे वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। अभी तक जो है वो दो टोल आए हैं, घमरोज आया था और दूसरा ये हिलालपुर आया है। दोस्तों एक्सप्रेसवे पे एंटर करने के बाद करीब 10 से 15 किलोमीटर आप चलेंगे तो आपको पहला अपना रास्ते का जो रेस्ट एरिया वो मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ, अगर आप पिज्जा हट या फिर कोस्टा वगैरह में जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप भी मिल जाएगा। बाकी अभी हम यहाँ पर नहीं रुक रहे, अभी हम आगे जाएंगे, आगे देखते हैं और कौन से ऑप्शंस मिलते हैं और वहां पे चल के रुकेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं मुंबई एक्सप्रेसवे पे जब भी आप ट्रेवल कर रहे होंगे आप सामने का व्यू देखिए, कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। बिल्कुल एकदम देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई पेंटिंग बना रखी है। बहुत ही जबरदस्त हाईवे है ये। यहाँ पे ड्राइव करने का जो मजा है ना वो लगभग आप समझ लीजिए कि 4 गुना हो जाता है, इतना मजा आता है यहाँ पे ड्राइव करके। और दोस्तों ये फाइनली हमने जो है रास्ता कवर कर लिया लगभग 100 किलोमीटर के आसपास का और हम रुक रहे हैं अपने पहले स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी मेरे सामने यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर मैकडी का भी ऑप्शन है, तो अभी अंदर चल के देखते हैं किस तरीके का है यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर हम ये स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके हैं कितना बढ़िया ये लोकेशन है। आप पीछे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ से व्यूज आपको मिलेंगे। और यहाँ पर अगर हम खाने पीने के ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है मैकडी का ऑप्शन। अगर आप चाहें कुछ बर्गर वगैरह खाना चाहते हो तो आप यहाँ पर आपको मैकडीज मिल जाएगा। अगर आप बैठना नहीं चाहते हो तो यहाँ पर आपको ड्राइव थ्रू का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप ऑर्डर करके अपनी गाड़ी में लेकर के आगे जा सकते हैं। बाकी उसके अलावा आप पार्किंग का स्पेस देख सकते हैं, पार्किंग का जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ा है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको साफ़ सुथरे वॉशरूम्स भी मिल जाएंगे। बाकी अभी हम चलते अंदर चल के कुछ थोड़ा सा खाते पीते हैं क्योंकि भूख लग रही है, हमने कोई ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया है और उसके बाद आगे चलते हैं। और अभी यहाँ से जो हमारा रास्ता बचा है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास बचा है और अभी तक आपने देखा ही है हमारी जर्नी के अंदर जो टोल आए हैं वो टोटल 2 टोल आए हैं, जिसके अंदर एक टोल पे 125 रुपये और दूसरे टोल पे 95 रुपीज़ हमने पे किए थे। बाकी अभी आगे चल कर देखते हैं और कितने टोल पड़ते हैं। तो गाइस ये अब हम फाइनली निकल रहे हैं, हम जहाँ पर अभी स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके थे। तो यहाँ पर आप आते हैं तो आप मैगडीज वगैरह कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, बाकी और कोई आउटलेट नहीं है यहाँ पर, खाली एक मैकडीज का ही आउटलेट है। साथ में ही अभी बन रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में आपको और भी कुछ यहाँ पर मिल जाए। और यहाँ पर एक चीज और है कि आपको पेट्रोल पंप का ऑप्शन भी मिल जाएगा। बाकी आप देखते हैं आगे से, यहाँ से जो हमारा रिजॉर्ट की दूरी रह गई है वो लगभग 70 किलोमीटर के आसपास रह गई है। और उसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जगह जगह पे स्पीड कैमरा मिल जाएंगे, तो मेक श्योर करें यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो 120 की है, तो अपनी लिमिट के अंदर ही चलें क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी उससे एक्सीड करते हैं तो चांसेस है कि आपका स्पीड का भी यहाँ पे चलान कट जाएगा और वैसे रिकमेंडेड भी नहीं है इतनी ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाना। और दोस्तों रास्ते में आपको जो खाने पीने के ऑप्शन मिलेंगे, अभी तक 2 जगह आई है जहाँ पर आपको खाने पीने के ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन उन दोनों जगहों पर आपको फास्ट फूड की चेन मिलेगी। मेरे को एक भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिखा जिसके अंदर कुछ इंडियन फूड वगैरह आपको मिल जाए।
फास्ट फूड चेन थी दोनों जगह पे। बाकी हो सकता है आगे चल के और भी कोई ऑप्शन आए, अगर आता है तो फिर मैं आपको वीडियो के अंदर वो अपडेट जरूर कर दूंगा। गाइस करीब 2 किलोमीटर बाद हमारे को मुंबई एक्सप्रेसवे को छोड़ के अलवर के लिए लेफ्ट लेना है। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक और खाने पीने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके अंदर अगर आप इंडियन फूड वगैरह कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंडियन फूड का ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी अब करीब 2 किलोमीटर बाद जो है हमारे को लेफ्ट लेना है, एग्जिट लेना है यहाँ से मुंबई एक्सप्रेसवे से, और उसके बाद जो रास्ता रह जाता है वो लगभग 35 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। और अभी तक तो हमारी जर्नी के अंदर 2 टोल आए हैं, बाकी अब क्योंकि हमें यहाँ से एग्जिट लेना है अलवर के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि अभी आगे और कोई टोल आएगा। बाकी अगर आगे और कोई टोल आता है तो मैं आपको उसका जो है अपडेट जरूर दूंगा, लेकिन जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ अब मैं अभी देख सकता हूँ सामने की आई थिंक एक और टोल जो है वो आ गया है। यहाँ से हम एग्जिट ले रहे हैं अलवर के लिए और उससे पहले यहाँ पर एक टोल जो है वो कटेगा, अभी देखते हैं कितने रुपए का टोल कटता है। जैसा भी रहता है मैं आपको स्क्रीन पर उसका चार्जेस जो है वो अपडेट कर दूंगा। मुंबई एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेने के बाद आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि जैसे ही आप एग्जिट लेंगे उसके बाद एक टोल आता है, टोल क्रॉस करते ही एक राउंड अबाउट आता है जहां से आपको राइट लेना होता है अलवर के लिए, और अगर आप भरतपुर जा रहे हैं तो वहां से आपको लेफ्ट लेना होता है। बाकी अगर आप गूगल मैप लगा के जाएंगे तो गूगल मैप जो है वो सीधा ही दिखा देता है कि 26-27 किलोमीटर अभी आपको और एक्सप्रेसवे पे चलना है, जिसके अंदर आपका अननेसेसरी एक और टोल लग जाएगा। और दोस्तों एग्जिट लेने के बाद करीब अभी हम 5-7 किलोमीटर ही चले हैं और ये आई गेस कोई स्टेट टोल है जो आ गया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो स्टेट हाईवे के जो टोल होते हैं उनके ऊपर फास्टैग चलता नहीं है। बाकी अभी देखते हैं कि यहाँ पर पेमेंट जो है वो फास्टैग से होती है या फिर कैश पेमेंट करनी पड़ती है, और कितने रुपए का टोल लगता है वो मैं स्क्रीन पे अपडेट कर दूंगा। अभी जो आपने देखा जो हमने स्टेट हाईवे का जो टोल क्रॉस किया है, इस टोल पे आपके जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे 35 रुपीज वन साइड के। अगर आप आना जाने के लेते हैं तो उसके जो चार्जेस हैं वो 50 रुपीज हैं। बाकी अभी देखते हैं और कोई टोल पड़ता है नहीं पड़ता है, यहाँ से जो डिस्टेंस है अब 30 किलोमीटर के आसपास रह गए। आई डोंट थिंक सो कि अब और कोई टोल पड़ेगा वैसे इस रूट पे। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो अभी आप देख सकते हैं रोड की कंडीशन है, वो रोड की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, काफी ज्यादा पैची रोड है, काफी गड्ढे वगैरह भी है रास्ते में काफी। इस रोड पे चलने के लिए हमने जो है वो 35 रुपए टोल पे किया है, तो कम से कम गवर्नमेंट को ये तो मेक श्योर करना चाहिए कि स्टेट हाईवे जो भी है अगर वो टोल ले रहे हैं तो कम से कम रोड की कंडीशन तो ऐसी हो कि टोल पे करना जस्टिफाई लगे। और गाइस ये आ गया है एक और टोल, और ये जो टोल है ये नेशनल हाईवे का टोल है, और यहाँ पर भी जो चार्जेस लगते हैं वो आई गेस 35 रुपीज लगते हैं। बाकी जो भी एग्जैक्ट चार्जेस होंगे वो मैं आपको वीडियो के अंदर स्क्रीन पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। बाकी हमें लग रहा था कि टोल जो है वो आगे नहीं आएगा, लेकिन एक और टोल जो है वो आ ही गया है। बाकी आगे देखते हैं, हो सकता है और भी टोल कोई आ जाए तो पता नहीं। तो दोस्तों अभी बच चुके हैं दोपहर के 2 और हम फाइनल पहुंच चुके हैं अपने रिजॉर्ट में जो कि है सरिस्का नेशनल पार्क के पास में। और आपने देखा हमने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी दिल्ली से वो लगभग 10 बजे के आसपास स्टार्ट करी थी और 2 बजे के आसपास हम यहाँ पर पहुंच गए, तो इन टोटल जो हमारे को टाइम लगा है वो 4 घंटे के आसपास का लगा है, जिसके अंदर हम आधे घंटे का हमने एक स्ट्रेचिंग ब्रेक भी लिया था जहाँ पर आपने देखा था हम मैकडीज में रुके थे, तो वहाँ पर हमें लगभग आधा घंटा लग गया था। तो ओवरऑल अगर नहीं रुकते तो कम से कम 3-3.5 घंटे के आसपास में आप दिल्ली से अलवर पहुँच सकते हैं अगर आप मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमारे को टोटल टोल कितने के पड़े, तो अगर मैं टोटल टोल की बात करूं तो जो हमारे टोटल टोल लगे हैं इंक्लूडिंग स्टेट टोल वो लगे हैं 460 रुपीज, लेकिन यही अगर आप जो दूसरा रास्ता है जो कि ओल्ड रूट है आने का यहाँ पर अगर उस रूट के थ्रू आते हैं तो उसमें आपको टोल चार्जेस जो थोड़े से कम पड़ेंगे, लेकिन इस तरीके की रोड कंडीशन आपको उस रूट पर नहीं मिलेगी। वहाँ पर जो है
सिंगल लेन सड़क बहुत लंबे रास्ते तक चलती है, तो मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप ज्यादा टोल के पैसे के बारे में कंसर्न नहीं है तो आप इस रूट से आएं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो रोड कंडीशन मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलेगी। आप देख सकते हैं ओवरऑल रूट जो था वो बहुत बढ़िया था। बीच में थोड़ा सा स्ट्रेच ऐसा आया था जहाँ पर थोड़ी सी सड़क जो थी वो खराब थी मुंबई एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद, लेकिन ओवरऑल जो हमें सड़क मिली है लगभग 80-90% सड़क वो बहुत ही बढ़िया सड़क मिली है। तो मैं आपको डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ कि आप इसी रूट के थ्रू आएँ। अगर आप सरिस्का नेशनल पार्क या फिर आप अलवर आ रहे हैं तो आप इसी रूट के थ्रू आएँ। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की और भी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे किसी नेक्स्ट बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।